नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। वनटांगे समाज के लोगों को बेसब्री से दीपावली के दिन और सीएम का इंतजार रहता है। उनके आने के बाद ही समाज के लोग अपनी दीपावली मनाते हैं। अपनी व्यस्तता के बीच समय निकालकर सीएम भी वनटांगे समाज के लोगों के बीच दीपावली मनाने पहुंचते हैं और सबसे पहले दीपावली वनटांगिया गांव में उनके साथ ही मनाते हैं। और इस दिवाली भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटांगिया गाँव के तिकोनिया नंबर 3 पहुंचे और मूसर समाज के लोगों के साथ दीपावली का पर्व मनाया और उन्हें अपने हाथों से दीपावली का उपहार भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने जनपदवासियों 80 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर उन्हें दिवाली का बड़ा तोहफा दिया। साथ ही सीएम ने खेल में अच्छा प्रतिभाग करने वाले बच्चों में खेलकूद की सामग्री और स्कूली बच्चों में ड्रेस का वितरण किया। और आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबकी प्रति व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अपने घर अयोध्या वापसी की स्मृति में पूरा देश दीपावली के उत्सव को मनाता है। हर घर में दीपक जलते हैं। कल अयोध्या में आप सब ने भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कितना भव्य उत्सव अयोध्या के अंदर था। अभी जैसे आयोजन हम सबके जीवन में परिवर्तन के कारक बने थे। अपराध करके अर्जित किए गए धन से बनाए गए संपत्ति के जब्तीकरण का गोरखपुर पुलिस लगातार इसके विरुद्ध अभियान चला रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर गोरखपुर पुलिस ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर उन संपत्ति को कुर्क कर रही है जो अपराध करके अर्जित की गई है। गोरखपुर में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस पिछले कई महीनों से गैंगस्टर के शातिर अपराधियों की कमर तोड़ने में लगी है। इसी क्रम में गोरखपुर पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देशानुसार एक बहुत बड़े भूमाफिया जिसके ऊपर हत्या, प्रॉपर्टी और फर्जी तरीके से तमाम चीजें चलाने का आरोप है, उसके बाद कुर्की की गई है। साथ ही साथ बदमाशों और उसके लोगों को साथ मिलकर लोगों में अपना डर बनाते थे, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में गोरखपुर पुलिस पिछले कई महीनों से लगातार गैंगस्टर के जो स्पेशली अपराधी है उनके खिलाफ अभियान चला के कार्य कर रही है। इसी अनुक्रम में आज गोरखपुर पुलिस ने जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर के निर्देशानुसार एक बहुत बड़े भूमाफिया एवं जिस व्यक्ति पर हत्या, प्रॉपर्टी फॉर्जरी, मर्डर के 2 अभियोग, 7CLA के 2 अभियोग, डकैती के, रंगदारी मांगने के और 7CLA के, हाउस ट्रेसपास के, बलवा के, इस तरीके के टोटल 17 अभियोग हैं। श्रावस्ती में भिनगा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दहेज पर प्रताड़ित करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहा था। वहीं युवक की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने टीम भी गठित की थी। श्रावस्ती में दीपावली को लेकर आबकारी विभाग की टीम अलर्ट पर है, जिसको लेकर डीएम नेहा प्रकाश के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एसडीएम की अगुवाई में शराब दुकानों की जांच की गई, जिसमें भिनगा, इकोना और कजवड़ा में टीम ने बारकोड और स्टॉक का खुलासा किया। साथ ही कच्ची शराब को लेकर अमरवा और भयापुरवा गाँव में दबिश थी। टीम ने मौके से 17 लीटर कच्ची शराब बरामद की। हमीरपुर में दबंगों ने एक युवक को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। देशभर में दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं महाराजगंज जिले के भारतीपाल सीमा पर तैनात जवानों ने भी अपने घरों से दूर दिवाली का पर्व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया। जवानों ने सीमावर्ती गांव के बच्चों को भी कैफ में बुलाकर बच्चों को मिठाई खिलाकर उन्हें दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग ये हरदीडाली कैंप से हैं जो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा है, जो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है। आपके सवाल पे मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, दिवाली का जो है त्यौहार है, पर्व है, वाकई में इस चीज़ का हमें मतलब महसूस होता है कि हम लोग अपने परिवार के साथ नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारी जो ड्यूटीज़ है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो हमें पूरी करनी है। और जो हमारे जो साथी हमारे जो इस कैंप में है, वो भी हमारा एक परिवार है। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसी कोई बहुत भारी कमी महसूस नहीं होती है कि हम अपने परिवार से दूर हैं, क्योंकि ये भी जो हमारा कैंप है, ये भी हमारा परिवार है। हम जैसा दिल में तो लगता है कि घर से दूर है, लेकिन ये भी एक परिवार है और ड्यूटी तो करना है। कुछ अगली बार जाएंगे दिवाली में, इस बार नहीं गए तो अगली बार कोशिश करेंगे कि दिवाली के दिन छुट्टी। क्या प्लान किए आज, कैसे सेलिब्रेट करना जवानों के साथ? आज हमारा मतलब बड़ा खाने का प्रयोजन है, उसमें तरह तरह के डिशेस होगी। शाम को पटाखे जलाना, मंदिर में पूजा है जो अभी शाम को होगी। दीपावली को बहुत मैं भी खुशी हूँ, बधाई रहा हूँ। परिवार से दूर है, कैसा लग रहा है? परिवार में दूर होने से भी हम परिवार के लिए यह है और अपना देवती निभा रहा है, वो चाहिए सही सलामत, और अपना भी खुशी है और परिवार भी खुशी में रह रहा है। गौना में जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के सचरी मोहल्ले में दो मंजिला मकान में विस्फोट से हड़कंप मच गया। इस विस्फोट में मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। मां के इलाज के दौरान मौत हो गई, बेटे को लखनऊ रेफर किया गया है। दरअसल जिले के नवाबगंज थाना अंतर्गत कस्बे के सचरी मोहल्ले में एक मकान में हुए धमाके से मकान भरभरा कर गिर गया और मलबे में दबकर एक 52 वर्षीय महिला की मौत हो गई, वहीं बेटा घायल है। स्थानीय लोगों की माने तो उस मकान में अवैध रूप से पटाखा बनाने का कारोबार किया जा रहा था, जिससे बड़ा धमाका हुआ और एक महिला की मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू कर घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। आज 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे के करीब ये सूचना मिली कि घर में तमाम प्रैक्टिस में सच्चाई बोलना है, यहाँ पर धमाका हुआ है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंची और जो माँ बेटा जो इब्राहिम और उसकी माँ करीम के साथ फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया और उसमें जो है इब्राहिम घायल है, उसको जिला अस्पताल के बाद उसको तो रिफर किया गया इलाज के लिए और उसकी माँ घर में आया तो 52 वर्ष की उसकी मृत्यु हो गई है। और इसमें और कोई घर में नहीं था उस समय, और इसमें जो मौके पर पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। और ये जो प्रथम दृष्टया जो लोगों के द्वारा जानकारी की जा रही है, पहले तल्ले पर पीछे के पास उनके द्वारा बताया गया कि सिलेंडर फटा है, इसलिए ये धमाका हुआ है। पौड़ी शहर के खानी सैन के समीप यूटिलिटी वाहन चालक ने स्कूटी में सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं तीसरे युवक को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि वाहन चालक काफी नशे में था, जिसके चलते उसने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। 3-4 बजे की घटना है लगभग जो है, और यहाँ पर एक वाहन लोडिंग वाहन था यूटिलिटी, वो पौड़ी से दोपहर के साइड जा रहा था, रोड पे जा रहा था और रास्ते में गाय से टकराने के बाद आगे एक 2 स्कूटी वाले लड़के आए थे और जो जिनसे भी उसने टकराया, जिसे जो है मौत। सितारगंज में दीपावली पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बाजार में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। दुर्घटनाओं से आमजन को बचाने के लिए सवारी वाहनों में ओवरलोडिंग नहीं करने दी जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह कात्याल ने बताया कि हादसों से बचने के लिए पटाखों की अलग मार्केट बनाई गई है, जिसमें दमकल वाहनों के साथ सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए आमजन से पुलिस का सहयोग करने की अपील की। कहा कि दीपावली पर्व मनाने पर आमजन आतिशबाजी के दौरान सावधानी जरूर बरतें। दिवाली के पर्व पर चमोली जिले के अलग अलग बाजारों में जगमग माहौल देखने को मिल रहा है। बाजार सजे हुए हैं तो कहीं अलग अलग तरह के मंचन हो रहे हैं। गोपेश्वर मुख्यालय की बात करें तो दीपावली की तैयारियां यहां पर जोरों शोरों से सुबह से ही दिखाई दे रही हैं। लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। प्रशासन की बात करें तो जगह जगह पुलिस सघन चेकिंग अभियान भी चला रही है। इस बार दिवाली के त्यौहार को लेकर व्यापार में बहुत उत्साह है, परंतु इसके विपरीत जो है ग्राहकों में इसका उत्साह बहुत कम देखा जा रहा है।
अवमान्यता कारण हमें जहाँ तक हम व्यापारी लोग समझ सकते हैं अवमान्यता कारण है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के कारण जो बाजार जो ग्राहक है वो आज के दिन अपने घर से शॉपिंग कर रहा है, तो बाजारों में जो तादाद जो पिछले मरतबा जो होती थी ग्राहकों की उससे बहुत ही कम है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।